ये हमारे पास है फिनोप्थलीन और ये कलरलेस होता है और इसे हम एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं। तो इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि जब इसको हम एसिड में डालेंगे तो हमारा कलरलेस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे इसको हम बेस में डालेंगे तो बेस जो है वो पिंक कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस दोनों बीकर में एक में एसिड है और एक में बेस है, तो हम क्या करते हैं दोनों में डाल के देखते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अब इस फिनोफ्थलीन को मैं दोनों में एक एक करके डालता हूं, इसमें डालता हूं पहले, इसमें डालते ही आप देख रहे हो कि पिंक कलर के सॉल्यूशन में ये चेंज हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। और मैं थोड़ा सा मिक्स भी कर देता हूं, इससे और क्लियर अच्छे तरीके से देखिएगा पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या हो गया, ये सॉल्यूशन जो है पिंक कलर का हो गया। तो आपको बताना है कि ये एसिड है या बेस है। दूसरे में मिक्स करके देखता हूं और अब इसमें हमने डाला 3-4 ड्रॉप डाल दिया लेकिन इसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ। चलिए मैं इसको मिक्स करके भी देखता हूं, मिक्स करने के बाद भी इसका कलर चेंज नहीं है।